शेर तकरीबन पूरे एशिया और यूरोप में पाए जाते थे। आज ये सिर्फ इसी जगह सिमट कर रह गए हैं। हर जगह राजाओं और नवाबों से लेकर देहातियों तक ने इनका इतना शिकार किया कि शेरों का वंश मिटने तक पहुंच चुका था। 20वीं सदी आधी गुजरने तक भारत के बाहर इनका नामोनिशान मिट गया। भारत में भी ये सिर्फ 20 के करीब ही बचे थे, लेकिन फिर जूनागढ़ के नवाब ने शेरों के शिकार पर रोक लगाकर इन्हें खत्म होने से बचा लिया। आज भारत में 500 से भी ज्यादा जंगली शेर हैं। इसे कहते हैं वंश रक्षा। आज गिर फॉरेस्ट में जिंदगी की अच्छी चहल पहल है। शेरों के लिए यहाँ भरपूर शिकार है। ढोर डंगर दूर रहने से जंगली जिंदगियां भी खूब खिली हैं। चीतल पहले से 10 गुना ज्यादा हो गए हैं, सांबर 5 गुना, जंगली शूकर और भारत की सबसे बड़ी एंटीलोप नीलगाय 3 गुना। फिर तो यहां शेर के लिए शिकार की बहार होनी चाहिए, पर यही धारणा तो गलत है। दरअसल जानवरों की भरमार हो तो शिकार करना और मुश्किल हो सकता है। भोजन की तलाश में लंगूर और चीतल अक्सर साथ साथ ही घूमते हैं। दूर से शेर को आते देख ये लंगूर और बंदर शोर मचाकर चीतल को खबरदार कर देते हैं, और शेर के लिए यहां ये अकेली दिक्कत नहीं है। घने जंगल में शेर के लिए दूर तक देखना मुश्किल होता है, पर सुनना आसान। इस शेरनी को बहुत भूख भूख कर कदम रखना होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। ये बहुत सब्र से दबे पांव शिकार के एकदम करीब पहुंचेगी, तभी एक झपट्टे में उसका काम तमाम कर पाएगी। पर करीब आते आते मौका हाथ से निकल गया। गिर फॉरेस्ट में शेरों की सबसे बड़ी दिक्कत है ये सूखे हुए पत्ते, जो पूरे जंगल में पीछे रहते हैं और खरखराकर शिकार करना दूभर कर देते हैं।